अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज मैं कल आपके जो जो प्रैक्टिकल जो एग्जाम्स चल रहे हैं, आपके मॉडल पेपर जो साइकिल एग्जाम्स जो भी बोल रहे हैं, उसका मैं आपको अभी किस तरीके से उसको आसानी के साथ क्रैक करना है, ये चीज़ मैं आज आपको मैं समझा रहा हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं, और क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से, किस अंदाज से आपको आसानी के साथ मार्क्स 10 out of 10 कैसा हासिल करना है, ये टेक्निक आपको बता रहा हूँ। अभी हमारा सबसे पहले क्या रहता, हमारे पास तेलुगु के पेपर में सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन जो रहता हमारा, वो फर्स्ट सेक्शन अभी हमारे एग्जामिनेशन में अब जो सिलेबस दिया गया, वो सिलेबस में आपको नॉन डिटेल के 2 lessons है, एक 3rd lesson अरिके रामास्वामी है और 4th lesson कोत्तपल्ली जयशंकर है। ये आपके नॉन डिटेल के लेसन है, ये 3rd lesson अरिके रामास्वामी, 4th lesson कोत्तपल्ली जयशंकर। ये 2 lessons से रिलेटेड क्या करता, आपको एक सीन पैसेज दिया जाता। सीन पैसेज माने आप जो पढ़े से लिखे से पैसेज देता, वही पैसेज में से आपको क्या करता, यहाँ पर ये सीन पैसेज में से आपको 5 questions एंड आंसर्स करना है। वो 5 questions के आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क के हिसाब से 5 marks यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, क्लियर। और इसके लिए, और ये जो बोल रहे हैं अब, ये जो अरिके रामास्वामी कोत्तपल्ली जयशंकर 2 lessons से, फिर अब कौन से पैराग्राफ्स आते हैं सर उनके, बोल दो। अभी वो पूरे सारे पैराग्राफ्स मैं यहाँ पर आपको नहीं दे बता सकता, लेकिन आप मेरे को मेरा जो नंबर 9391163305 ये फोन नंबर पे आप मेरे को टेक्स्ट करिए, अस्सलाम वालेकुम बोल के बोलिए, मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगा। जो भी मेरा वीडियो देखेंगे उन सारे चीज़ों सारे लोगों के लिए मैं नोट्स भेजते जाऊंगा। तो यहाँ पर अभी जो अरिके रामास्वामी कोत्तपल्ली जयशंकर में मैं इम्पोर्टेंट मेटेरियल बनाया हूँ वो लेसनों में से आप क्या करिए, आप वो जो प्रैक्टिस कर लीजिए। अब इसके अंदर पूछता क्या फिर इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या करता, क्वेश्चंस देके आंसर्स करो बोल के बोलता, या नहीं ओनली एंड ओनली क्वेश्चंस बना बोल के बोलता, या वो भी नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में दे सकता, या वो भी नहीं तो ट्रू और फॉल्स के टाइप में भी दे सकता। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अरिके रामास्वामी सिकंदराबाद लोनी कुमारी बस्ती लो जन्मिंचारो बोल के, कुमारी का मतलब होता है पार्टर, POTTER पार्टर। अगर वो कुमारी, यहां पर मैं एग्जाम्पल बता दू, यहां पर ये कुमारी है, कुमारी बस्ती लो जन्मिंचारो, ये कुमारी बस्ती है, ये कुमारी बस्ती क्या बोलेंगे यहाँ पर, POTTER पार्टर बोलेंगे। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स दिया जाए आपको, यहाँ पर उसके क्या क्या करता है, आपके कुमारी बस्ती बोल के लिखता, ये कुमारी बस्ती का कुमारी का मतलब होता है पॉटर, कमरी का मतलब होता है ब्लैकस्मिथ। अब ये ब्लैकस्मिथ मतलब आपको मालूम है कि नहीं मालूम, कि जो तलवार बनाने वाले वो सबला बनाने वाले ब्लैकस्मिथ बोलते हैं। तो ये प्रोफेशन है, ऊपर का एक प्रोफेशन है, घड़े बनाने वाले का एक प्रोफेशन है। तो आपके एग्जामिनेशन में आपको ये यहां पर ये जो चीज, ये ऊपर वाला राइट है नीचे वाला गलत है, तो इस तरीके से ट्रू और फॉल्स देता, बहुत की ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पर। तो ये कब पॉसिबल होता, तब ये लेसन आप रीच एंड एवरी पैराग्राफ पढ़ के उसको समझे तो ये आसानी के साथ कर पाते। देखिए कितना छोटा सा, ये अगर निकाल दिया ये कुमारी कमरी, जस्ट छोटा सा फर्क है, इस तरीके से देता है। यहाँ पर जो सूखी मात्रा लगी हुई, ये चीज को गौर करके लगाना है। अगर कुमारी बोलता ये 2 options में, ये भी देता ये भी देता, तो इस तरीके से हमको क्या करना है बोल के बोले तो यार क्वेश्चन देता। अब आप कुछ बोलेंगे सर, एक क्वेश्चन आंसर सबको फ्रेम करने नहीं आता, मैं इस वास्ते आप लोगों को क्या करूं, मैं यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ और आंसर्स भी दे रहा हूँ मेरे नोट्स में, आपको खाली जस्ट गो थ्रू करना है। वो ये रटा मारने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इसके पीछे रटा मारे तो बैठने का नहीं है, क्योंकि आप ये जो पैराग्राफ पढ़ लेते गए उसको समझते गए, नीचे क्वेश्चन आंसर दिया था मैं, वो क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया, तो आप क्या रहता है यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूरे कैसे लेंगे, आपको कुछ न्यूज पेपर से भी कलेक्ट कर सकते हैं, या दूसरा कुछ भी मवाद मिल गया या प्रीवियस किसी की हिस्ट्री मिल गई, तो उससे भी वहां पर हम क्या करते हैं, अनसीन पैसेज
डिजाइन करके दे देता। सेम जैसा कि सीन पैसेज के लिए एप्लीकेबल है, क्वेश्चन दिए तो आंसर देना, नहीं क्वेश्चन फ्रेम करो बोलते क्वेश्चन फ्रेम करना, हाँ क्वेश्चन फ्रेम करना है तो क्वेश्चन फ्रेम करना, आप ट्रू और फॉल्स पिक चूज द करेक्टर तो फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के आपका फिर यहाँ पर भी। तो उसके अंदर ये आंसर पैसेज में भी क्या है, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन ईच क्वेश्चन को आपको 10 मार्क्स, 5 टूज और 10 मार्क्स के हिसाब से, आपको दो दो मार्क्स के हिसाब से 10 क्वेश्चन आपको करना है। फर्स्ट सीन पैसेज के लिए भी वही एप्लीकेबल है, आंसर पैसेज के लिए भी वही एप्लीकेबल है। तो ये दो चीजें आपको थोड़ा सा आप इसके, और एक बात, अगर ये क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है सर, क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना है बोल के बोल, तो आप हमेशा क्या करिए, हमारे YouTube चैनल पे ये क्वेश्चंस हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस बोल के एक बाइट वीडियो बनाया, वो वीडियो देखिए आप, उसके अंदर मिल जाता है क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना। जिनको क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने का अगर डाउट आ गया तो वो यहाँ पर देखिए। सो फिर एक बार समझ सर तेलुगु, समझ सर तेलुगु ये मेरे चैनल का नाम है, समझता तेलुगु चैनल पर जाइए और ये देख के क्या करिए, यहाँ पर हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस बोल के तेलुगु में क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करना बोल के बोलो, मेरा वीडियो आपको आप दिख जाता है, वो वीडियो आप क्लिक करके लर्न कर लीजिए, राइट। अब इसके बाद में क्या हुआ, पर अगेन यहाँ पर सेव, क्या बोला था मैं क्वेश्चंस फ्रेम करने का पूछ सकता, या क्वेश्चंस दिए तो आंसर्स फ्रेम करने का बोल सकते, या फिर अगर फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में रहेगा, या चूज द करेक्ट आंसर्स के टाइप में। तो इस तरीके से आपका सेकंड फेज, सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता। अब उसके बाद में रहता क्या हमारे पास, थर्ड सेक्शन। अब थर्ड सेक्शन में क्या देता, थर्ड सेक्शन में देने से पहले क्या क्या, फिर कहां से देता ये, थर्ड सेक्शन का जो भी पार्ट है वो थर्ड सेक्शन का पार्ट कहां से देता बोल के वो तो हमारे फिफ्थ लेसन में से दिया जाता, शतक सुधा, फिफ्थ लेसन का शतक सुधा में से दिए जाते ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, ये शतक सुधा लेसन के पूरे पोयम्स एंड भावम्स याद करना है, पोयम्स एंड भावम्स याद करना है। अब आप बोलेंगे शतक सुधा में पोयम्स भावम्स बोल के बोले सर, यहाँ पर एक कंप्लीट करो बोल के बोल दे सकता है, तो उसका भाव तो भी लिखो बोल के बोल सकता है, या जंबल पोयम बोल के बोल तो। आप लोग फिर अगेन जबरदस्त एक टेक्निक देता हूँ, टिप दे रहा हूँ आप लोगों को, आप ये फिफ्थ लेसन के शतक सुधा के पोयम अगर लर्न कर लिए तो आप यहाँ से जब आपके एग्जामिनेशन में पोयम दिया, कंप्लीट द पोयम बोल के बोलो तो जंबल्ड बोल के दिया या भाव बोल के लिखो बोल के बोलते हैं, यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। और उसके बाद अगेन इसके अंदर से कंपल्सरी 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप यही पोयमों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता। उसके बाद में फिर आगे अगेन इसके अंदर से क्या आता, 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी यही लेसन में से आने वाला है। और उसके बाद में और एक डिस्कोर्स भी यही लेसन में से आने वाला है, कल के एग्जामिनेशन में चेक कर लेना, समझ आप कैसा बता दिए, कैसा कर रहे, डिस्कोर्सेस भी यही लेसन में से आते हैं, पूरे काउंट कर लीजिए आप। अरे ये 60+20 25 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेसन के पोएम भावों से आने वाले हैं, चेक कर लेना। उसके बाद में बोलना अरे क्या, कितना गारंटी के साथ, कितना चैलेंजिंग के साथ बोल रहे सारा बोल, राइट। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर फिफ्थ लेसन का पोएम भाव 100% याद कर लीजिए। अब उसके बाद में ये फिफ्थ लेसन का ये पोयम भाव जब याद कर लिए तो इसके अंदर एक जंबुलदा पोयम बोल के आता है। अब आप लोग सब लोग बगला बजाते हैं, क्या जबरदस्त बोल के चिकन डांस करना शुरू कर देते हैं, क्या जबरदस्त समझा रहे, क्या यहाँ तो सिंपल खाली जंबुल पोयम नीचे ऊपर कर लिए तो हो जाता है ना, फर्स्ट लाइन को लेकर थर्ड लाइन में डालता, थर्ड लाइन को लेकर फर्स्ट लाइन में डालता, सेकंड लाइन का इस तरीके से वो ये खाली नंबर चेंज करके ऊपर नीचे कर ली तो जंबुल कर ली तो आसानी के साथ पोयम बन जाती। हाँ वेरी गुड, यहाँ पर उन्हें अपन उशार अपने से डबल उशार रहता बेचारा, पेपर बनाने वाला क्या करता बोलते, उन्हें पूरी खिचड़ी खिचड़ी बना के देता। कैसा खिचड़ी बना देता, अब फॉर एग्जाम्पल की मेरी सुना दही नंबू दीजिए बच्चों बोल के, ये पोएम है, कौन सी पोएम है, अब ये पोएम है यहाँ पर एक छोटा सा आपको बताता, कि मेरी सुना दही नंबू दीजिए बच्चों, की मेरी सुना दही नंबू दीजिए बच्चों, दबरी मृग दुष्ट लो निरुद्रा बच्चों, दिरी को देटी को सारी को बच्चों। अब उन्हें क्या करता, ये जो चीजों को ये जिधर बोले जो बोले वो कौन सा वर्ड उसके दिल में आया वो वर्ड क्या करता था, डाल देता कि जब क्या बोलता बोल के बोलता, ये पूरी अलग 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 पूरे एक जगह जो समझ में आया डाल दे के क्या करता उसको बोल के बोलता, इसको सही करो बोल के बोलता, सही करना बोलते क्या करना पड़ता। अब क्या है यहां पर, क्या है
एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, एक लाइन दो लाइन तीन लाइन, चार लाइन अगर है तो चार लाइन में ये फर्स्ट लाइन वाला इधर डाल दिया, सेकंड लाइन वाला इधर डाल दिया, फिर लैम्बा वन डाल दिया, यहाँ पर फोर, ये चार लाइन नीचे ऊपर करके डाल दिया। तुम ना क्या करते, ये फर्स्ट लाइन वाला पहले लिखते, सेकंड वाला उसके बाद लिखते, फिर थर्ड लाइन वाला उसके बाद लिखते, फिर ये लाइन ऐसा, ये हिसाब से आप जम्बुल पोएम को सही करके मास्क गेन कर लेते। अगर इसके अंदर से पूरे टुकड़े टुकड़े पूरे पोएम को पूरा अलग 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 बीच के जो वर्ड्स पूरे अलग अलग दे दे, सब क्या करते हैं तब तो। अगर आपको पोएम याद है तो पूरी पोएम लिख दो, उस वहां से क्या बोलो, यहाँ कंप्लीट द पोएम कर लो या कंप्लीट द भाव, ये दो चीजें याद कर लो, जम्बुल को पोएम का कुछ भी याद हो, कुछ भी आसानी के साथ कह सकते, राइट। मैंने कितना भी खिचड़ी बना लेके दे लें दो, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको पोएम आती है, आप बिंदास पोएम लिख दो, खत्म। यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। भावम पूछा, यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। पोएम पूछा, पोएम लिखो। भावम पूछा, जम्बुल करना है, जम्बुल कर लो, क्या करने के, समझ में आ गया। तो अब तक कितने मार्क्स हो गए, यहाँ फर्स्ट क्या बोले, यहाँ पर 5 मार्क्स लिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 मार्क्स लिए, ये 5 मार्क्स है, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स, फिर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पोएम अगर भाव लिखे तो यहाँ पर भी 5 मार्क्स। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर 20 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया, राइट। अब उसके बाद ये 20 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो गया, बाद फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, सेकंड थर्ड भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद फोर्थ सेक्शन में आ रहे हैं। जब फोर्थ सेक्शन में आए बाद में, अब ये फोर्थ सेक्शन में क्या करता बोल के बोले तो, उन्हें 8 क्वेश्चंस दे के उसके अंदर से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखो बोल के बोलता। अब यहां पर मैं आपको और एक इतनी बेहतरीन टेक्निक समझाता हूँ, देखिए यहां पर 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन है तो चॉइस में छोड़ देना है आपको। फिर करना कितने क्वेश्चन आंसर से, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, चार आंसर्स करना है। फिर 4 आंसर्स भी कितने आसानी के साथ कर सकते हैं बता दो। अब हमारा क्या है, यहाँ पर क्या बताए थे हम, यहाँ पर हम कोसे को सोल्यूशन से, अभी अब ये क्या करना है, 4 आंसर्स है, ये 4 आंसर्स में क्या कर रहा हूँ, हमारे पास 5th लेसन है, 7th लेसन है, 9th लेसन है। 5th लेसन किसका है, ये शतक का सुधा बोल के है ये। 7th लेसन क्या है, शुभोदयम का है। 9th लेसन क्या है, शहनाई शहनशाह है, राइट। इस हिसाब से 3 लेसन है, ये 3 लेसन हमारे सिलेबस से कल के एग्जाम में आने वाला। अब ये 5th लेसन में अब ये क्या करता बोल के बोलते, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप कहां से करना है बोल के बोले तो, ये 4 क्वेश्चन के आंसर आप 2 क्वेश्चन, 2 कंपल्सरी आपको एग्जामिनेशन में 2 पोएट्स के बारे में कंपल्सरी पूछता। क्या पूछता, 2 पोएटा। फिर हमारे पास 5th लेसन क्या है, 5th लेसन शतक सुधा है, ये 7th लेसन क्या है, शुभोदय, ये 2 पोएट्स है, पोएट्री है ये। अब ये शतक सुधा में फिर कितने लोग आए, यहां पर शतक सुधा में वेमना, बद्यना, दाशरथी, ठीक है। अब यहां पर ये वेमना ये लेसन से, ये शतक सुधा लेसन वालों से, या तीनों लोग आए हैं यहां पर जो इंपॉर्टेंट, अभी अभी बाकी के लोग अभी है अभी, पर फिलहाल तो अपन 3 लोगों को याद कर रहे थे। अब ये शतक सुधा पोएम है, उसके बाद शुभोदय। अब ये शुभोदय में, ये शुभोदय में क्या है, यहां पर एक ही एक है, क्या नाम है उनका, मामड़ी पल्ली, सांब शिवा शर्मा, ये एक ही बंदे हैं, ये एक ही पोएट है, ये पोएट मामड़ी पल्ली सांब, ये पोएट को आप लर्न कर लीजिए, इंशाल्लाह कल आपके एग्जामिनेशन में इन्होंने दिखाई देते, वेमना भी दिखाई देते। और एक फिर हमारा 9th लेसन क्या है, 9th लेसन को लिखे सवाल का नाम क्या है, शहनाई शहनशाह लिखे सवाल का नाम, सामला सदाशिवा, सामला सदाशिवा। तो आपको ये दोनों के बारे में, एक पोएट्री से रिलेटेड, एक प्रोज से रिलेटेड। पोएट्री से हमारे पास 2 लेसन आए, 5th लेसन 7th लेसन, वो 2 लेसनों में से किसी एक पोएट का बारे में पूछा जाता, और 7th लेसन में ये 9th लेसन जो सामला सदाशिवा है, शहनाई शहनशाह लिखे सवाल कंपल्सरी, इनके बारे में पूछता ही पूछता, ये अच्छा सा याद करके जाइएगा। यहां पर
महावीरपाली सांबेश्वर शर्मा को याद करना है या वेमना को या बद्र के दो तीन का आपको याद करना पड़ता है, पोएट्री के पोएटों में से दो तीन याद करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दो पोएटों के आंसर जब लिख रहे हैं तो आपके दो पोएटों के आंसर यहाँ पर मुकम्मिल हो गए, दो पोएटों के आंसर मुकम्मिल हो गए लिख दिए। अब उसके बाद अभी दो क्वेश्चन हो गए, अभी दो क्वेश्चन बाकी है, फिर अब ये दो क्वेश्चन कहां से लेना भी है, फिर ये दो क्वेश्चन कहां से लिखना, फिर कहां से लिखना बोल के बोले तो मैं क्या बताया था आपको यहाँ पर, ये जो फिफ्थ लेसन का जो शतक सुधा जो पोयम है ना, ये पोयमा भावमा लर्न कर लीजिए, कोई से भी पोयम का भावमा आपको आ गया उसके अंदर से, फॉर एग्जाम्पल कवि बंधुवुलनु कप्पलतो एंदुकु पोल्चाडु, ये जो पोएट है वो पोएट क्या कह रहा, कप्पलु माने फ्रॉग्स, मेंढकों से रिश्तेदारों को क्यों जोड़ा बोल के एक क्वेश्चन करा समझो। अब उसके बाद नहीं है आपको पोएम का भाव याद है, एपड़ संपद कलगिन अपड़े बंधुवुलु वत्तु रदि एट्लन, ये पोएम का भाव अगर आप आ गया वो भावम के चार लेना अगर आप लिख दिए, यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर दिस। इस तरीके से फिफ्थ लेसन के कितने पूरे 8 पोएमा भावमा जो भी हो पूरे पोएमा भावमा याद कर लिए तो आप यहाँ पर एक फिफ्थ लेसन से एक आप आसानी के साथ आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास सेवंथ लेसन क्या है, ये सेवंथ लेसन शुभोदय, शुभोदय की पूरी कंप्लीट समरी याद करना, शुभोदय की पूरी कंप्लीट समरी याद कर लिए तो उसके अंदर चार क्वेश्चन बनते हैं। चार क्वेश्चन क्या बनते हैं, जो फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट चार लाइन का जो पोएम है वो पोएम क्या है, तेलंगाना में जो पढ़ियों की पढ़ियों का तरीका किस अंदाज में है, कैसा है अब कैसा रहता है बोल के वो फर्स्ट चार लाइन की पोएम चदुलु बल। फिर उसके अंदर सेकंड के पैराग्राफ में क्या बोलता है उन्हें, यहाँ पर सेकंड में क्या बोलता है, तेलंगाना के लीडर्स किस तरीके से रहना चाहिए बोल के बोलता, वो लीडर्स के बारे में उसके बाद के चार लाइन का स्टैंजा में आता। फिर उसके बाद में तेलंगाना की जमीन कैसी है, तेलंगाना के जमीन में क्या क्या पिका सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से नंदनवनम बना सकते हैं बोल के वहां पर बोल। फिर उसके बाद है तेलंगाना की पब्लिक किस तरह जिंदगी गुजारना चाहिए, वो एक क्वेश्चन, चार क्वेश्चन है बस। तो चार क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत है, पूरी समरी याद कर लीजिए आप, 4 मार्क्स का आंसर भी कर सकते हैं आप, 8 मार्क्स का आंसर भी कर सकते हैं। तो अभी क्या बताया हमें यहाँ पर, दो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट के उसके लिख लीजिए, उसके अंदर दो फिर वो पोएमों से रिलेटेड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक क्वेश्चन या ये फिफ्थ लेसन से एक प्लस ये सेवंथ लेसन से एक, यहाँ पर एक दो, आप इस तरह से चार 4 4 16 मार्क्स आप आसानी के साथ तैयार कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ये शहनाई शहनशाह लेसन है, शहनाई शहनशाह लेसन में से फिर नहीं होता क्या सर बोल के बोले तो वहां पर शहनाई शहनशाह का हर एक पैराग्राफ बिहार के स्टेट में जो दुमरान का कोर्ट रॉयल कोर्ट यार्ड है उसके बारे में लिखो बोलते पूरा लिखना। उसके बाद में ये बिस्मिल्लाह खान के जो भाई शमशुद्दीन है शमशुद्दीन के बारे में लिखो बोल के बोलते लिखना, या बिस्मिल्लाह खान की पर्सनालिटी के बारे में लिखो बोल के बोलते उनकी व्यक्तित्व के बारे में लिखो बोल के बोलते वो लिखना, बिस्मिल्लाह खान के घर में जो आने जाने वाले लोग खा के जाने वाले लोग ये पूरों को देख के बिस्मिल्लाह होटल का नाम क्यों पड़ा बोल के बोलते उसके बारे में लिखना। तो इस तरीके से क्या है वो तो हर एक पैराग्राफ से एक क्वेश्चन बनता हो तो अभी फिलहाल अब शहनाई शहनशाह जो लेसन है हमारे लिए उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर याद करना बहुत उन्हें हमें आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के टाइम पे शहनाई शहनशाह में कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं जब आपको वो टिप दे सकता हूँ। फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिफ्थ लेसन एंड सेवंथ लेसन में से आप सेवंथ लेसन का कंप्लीट पोएम भाव याद कर लीजिए, फिफ्थ लेसन के पोएम भाव में याद कर लीजिए, आपके यहाँ पर 4 मार्क्स का आंसर आसानी के साथ क्लियर हो जाता है। समझ में आ गया, दो इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट्स और दो फिफ्थ लेसन एंड सेवंथ लेसन में से दो आंसर कर लिए आपको यहाँ पर 4 मार्क्स 4 4 4 4 16 मार्क्स आपके यहाँ पर आसानी के साथ। अब उसके बाद सेक्शन फोर्थ में हम एंटर कर रहे हैं, सेक्शन फोर्थ नहीं सॉरी सेक्शन फिफ्थ में एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हम कहाँ पर जा रहे हैं, फिफ्थ सेक्शन में। आप फिफ्थ सेक्शन में क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ यहाँ ये जो फिफ्थ सेक्शन में एक ही एक क्वेश्चन का आंसर करना है, उसके अंदर आपको तीन क्वेश्चन दिए जाते, तीन क्वेश्चन में से एक आंसर करना है। अब एक आंसर क्या तीन क्वेश्चन कहाँ से देता,
फिफ्थ लेसन एंड सेवेंथ लेसन से। फिफ्थ एंड सेवेंथ लेसनों में से अब मैं यहाँ पर फिफ्थ एंड सेवेंथ लेसन दो लेसनों में से देता बोल के बोल रहा हूँ। ये दो लेसनों में से 8 मार्क्स का आंसर आपको यहाँ पर देना है, मार्क्स मिलना है, 8 मार्क्स का आंसर लेना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 मार्क्स का आंसर गैप करने के लिए हमारे पास फिफ्थ लेसन भी सेवेंथ लेसन दो लेसन है बाकी है, तो हम क्या करेंगे, ये सेवेंथ लेसन को आप लोग चुन लो, सेवेंथ लेसन को आप सब सेलेक्ट कर लो, सेवेंथ लेसन का आप कंप्लीट भाव लिख दो, क्वेश्चन कुछ भी घुमा के फिरा के दे दें दो, आप पूरा कंप्लीट यहाँ पर भाव लिख दीजिए, उसके अंदर मतलब रहता हो, आप जो लिख रहे हैं वो सारा मतलब उसके अंदर रहता, आपके टीचर सर जो भी है वो आसानी के साथ कंप्लीट भाव अगर लिख दिए तो आपको 8 मार्क्स आसानी के साथ मिल जाते हैं, मे बी डायरेक्टली जा सकता। शुभोदय पाठ्य भाग सारांश प्रायंडी उसकी समरी लिखो बोल के वो तो और भी सोने पर सुहागा है, नहीं इधर उधर घुमा के भी अगर लिखा तो वो उसका भाव लिख दो आसानी के साथ। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दो लेसन है, फाइव फिफ्थ लेसन एंड सेवेंथ लेसन है, उसमें से आप 8 मार्क्स आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद में उसके अंदर सेक्शन 6 यहाँ पर भी वही करना है, तीन क्वेश्चंस देता एक ही आंसर लिखना है, लेसन हमारे पास एक ही एक बचा हुआ है, कौन सा लेसन बचा हुआ है हमारे पास, एइथ लेसन। एइथ लेसन का नाम क्या है, शहनाई शहनशाह। अब शहनाई शहनशाह में ये शहनाई शहनशाह से ले वही एक ही क्वेश्चन में, वही एक ही लेसन में से तीन क्वेश्चन आप दे सकता। अब वो तीन लेसन तीन क्वेश्चन आप जब दिया तो तीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, वो कौन सा है, जो बालाजी मंदिर में जो बालाजी की जो मंदिर है वाराणसी का, बनारस का जो बनारस वो बनारस में का जो वाराणसी जो मंदिर है वो मंदिर में बालाजी टेम्पल एक है, वो बालाजी टेम्पल में रोजाना इन 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक रोजाना जाके रिहर्सल्स करते थे, प्रैक्टिस करते थे, वो प्रैक्टिस करने के लिए अली बख्शन को एक वो रूम की चाबी दिए थे, एक दिन वो जाके वो चाबी खोल के बैठे थे, अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, उतने में एक जना पूरा रूम पूरा धुआं धुआं हो गया, जबरदस्त अच्छी सी परफ्यूम आने लगी, स्मेल आने लगी, खुशबू आने लगी, फिर उसके बाद में कौन की बड़ा एक पर्सनालिटी हाइट वेट पर्सनालिटी जबरदस्त खूबसूरत एक बंदा सामने आया, डिवाइन पर्सन बोल के बोले, वो डिवाइन पर्सन सामने आया आके बोला बजाओ बेटा बजाओ बोल के बोला, फिर वहां से फिर हल्लू वहां से गायब हो गया, जो अंदर से जो बोल्ट लगा हुआ था वो जो बोल्ट जैसा बोल्ट लगा हुआ था वैसी बोल्ट लगा हुआ है, लेकिन वो बंदा किधर चले गया बोल के नो डर के हमारे क्या करे, खंदी लेके पूरा ढूंढना शुरू करे बिस्मिल्लाह खान, फिर भी कहे तो सीधा क्या करे डर के हमारे उन्हों घर को चले गए, घर को चले गए तो उतने में उनके अलीबख्श जो उनके मामू है वो मामू आके पूछे क्या बाबा इतना जल्दी क्यों आए हुए बोल के बोलते, ऐसे ऐसी बात ही बोल के बोलते, उनके कल्ले पे एक खींच के थप्पड़ मार के क्या बोले उनको, ये बात मेरे से अब बोले दोबारा किसी से नहीं बोलना बोल के उनको डरा के क्या करते हैं पर सुला के छोड़ दिया। तो ये जो सीन है, ये जो क्वेश्चन है, अब ये जो बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ भी यही सिचुएशन क्रिएट हुआ सो है, और उनके जो मामू है वो मामू भी उन्होंने भी वही काम करते थे, उन्होंने भी ऐसी करते थे, तो उनके साथ भी ऐसी हादसा हुआ सो है। अब यहाँ पर क्या करना, वो एक आंसर याद कर लिए, आली बख्श के साथ हुआ सो इंसिडेंट के बारे में लिखो बोल तो बिस्मिल्लाह खान की जगह निकाल के अली बख्श बोल के कॉपी पेस्ट करना है, बस यहाँ पर एक आंसर लर्न करे दूसरा आंसर फुकट में मिल जाता है यहाँ पर आपको, उनके साथ भी वही छुआ इनके साथ भी वही छुआ, 19-20 कुछ भी नहीं हुआ, सेम टू सेम हुआ। अब यहाँ पर क्या करना, तो एक आंसर आप याद कर लिए तो और एक आंसर अली बख्श के साथ क्या हुआ बोल के वो तो बिस्मिल्लाह खान का आंसर लिखना, बिस्मिल्लाह खान के साथ क्या हुआ बोलते अली बख्श, ये दो भी एक ही आंसर है, वही आंसर बालाजी मंदिर में जो इंसिडेंट हुआ था वो इंसिडेंट के बारे में लिखो बोल के बोल तो चाहे अली बख्श हो चाहे बिस्मिल्लाह खान को, ये आंसर आप लगा याद कर लिए बोल के बोले तो ये सेक्शन में भी आप उसको आसानी के साथ 8 मार्क्स आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर भी 8 मार्क्स ओनली 7th लेसन में से ग्रैब करो बोल के बोला, यहाँ पर का 8 मार्क्स है ओनली एंड ओनली आप हमारे शहनशाह लेसन में से आप यहाँ पर 8th लेसन में से आप ग्रैब करो बोल के बोला 8 मार्क्स। अब उसके बाद में हमारे पास जब लास्ट जो सेक्शन रहेगा वो लास्ट सेक्शन में क्या रहेगा उसके अंदर बोलते हो, अब वहां पर एक लेटर पूछेंगे, अब लेटर भी कौन सा टॉपिक पूछेंगे सर, लेटर बोलते दान उसे गोरी नदान की यह शक्ति लेनी, जो पोएम है वो पोएम का मतलब क्या है, ये दूसरों की मदद करना दूसरों की हेल्प करना। आप ये जो टॉपिक को लेकर क्या करता है आपके
ये जो टॉपिक है दूसरों की मदद करने की खासियत बताते हुए क्या करो, आपके फ्रेंड को लेटर लिखो बोल के बोलता, मित्रों ने के लेखर एंडी बोल के बोलता। अब आप क्या करना, लेटर पहले प्रैक्टिस कर लेना, किस तरीके से लेटर प्रैक्टिस करना। तो हमारे यहाँ पर समोसा तेलुगु चैनल पे ये भी लेटर आपको मिलता, फ्रेंड को लेटर मिलता, फादर को लेटर मिलता, आह्वान पत्र इन्विटेशन भी मिलता, ये सारी चीजें वहां से आप सेलेक्ट कर ले सकते हैं, ढूंढ के आप वहां पर देख के भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद में इन्विटेशन, अब इन्विटेशन किसके ऊपर बताएगा, इन्विटेशन कौन से टॉपिक पे पूछेंगे, जैसा हमारे पास जो शहनाई शहनशाह है, तो ये शहनाई शहनशाह बिस्मिल्लाह खान जैसे बहुत पॉपुलर बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट है, तो ऐसे आर्टिस्ट को आपके स्कूल में कुछ ऐसा म्यूजिक का प्रोग्राम अरेंज करो, और जो किसी आपको ऐसे आर्टिस्ट को आप गेस्ट के तौर पे आप अपने स्कूल को इनवाइट करो बोल के क्या करता है कि इनविटेशन बना बोल के बोल सकता है। आपको क्या प्रैक्टिस करना है, एक लेटर की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आह्वान पत्रों की प्रैक्टिस करना है, मित्रों ने लिखा प्रैक्टिस करना है, आह्वान पत्रों की प्रैक्टिस करना है, उसके बाद स्लोगन्स प्रैक्टिस करना है। अभी स्लोगन्स कहाँ से मिलेंगे सर, कहाँ से आते हैं स्लोगन्स, हमारे तेलंगाना का जो लेसन है शुभोदयम, वो लेसन से बाद में, लेसन के बाद में जो लास्ट में आपको जो हर वो लेसन में स्लोगन्स ही स्लोगन, हर वो जो पैराग्राफ पैराग्राफ हर पैराग्राफ में आपको कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं स्लोगन्स मिलते ही मिलते, तो पूरे स्लोगन्स पूरे आप जो यहाँ पर शुभोदयम की समरी याद कर रहे हैं उसी में से आप स्लोगन्स बना सक बना के भी आप एक पाँच छः से आप अगर जो जितने हो सके उतने आप स्लोगन्स दिए तो आप यहाँ पर तेलंगाना लेसन से स्लोगन भी कर सकते, तो आपका कल आपके एग्जामिनेशन में या तो लेटर आ सकता है या तो इन्विटेशन आ सकता है या तो स्लोगन्स भी बोल के भी पूछ सकता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, ये क्वेश्चन पेपर का पैटर्न यहीं पर हम खत्म करते हैं इंशाल्लाह। आने वाले फिर बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत में भी तभी भी हम एक नए गेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स के साथ गेस्ट इसी तरीके से हम और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए समस्या को इजाजत दीजिए और समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये जो वीडियो आपके जितने 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, उन सारे लोगों तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत आपको सब लोग आप लोगों को दुआएं दे देंगे। अल्लाह हाफिज़।